शाहरुख खान और अमृता राव आए एक ही मंच पर। मौका था फिल्म माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस के म्यूजिक लॉन्च का। इस मौके पर शाहरुख खान का साथ दिया मिथुन चक्रवर्ती और फिल्म के एक्टर निखिल द्विवेदी ने, और साथ ही देखने मिला ऋषिता भट्ट का लाइव परफॉर्मेंस। अपने कमिटमेंट्स को शाहरुख खान निभाते हैं पूरी वफादारी से, और इसीलिए वो दोस्ती की खातिर पहुंचे फिल्म माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस के म्यूजिक लॉन्च पर। दीस आर फ्रेंड्स, आई हैव कम इन एज अ पर्सनल कैपेसिटी एज अ फ्रेंड इन द वेलविशर ऑफ द फिल्म, बट एज अ प्रोडक्शन वी हैव नथिंग टू डू विद इट। इट वाज वेरी बिग इनफ ऑफ शाहरुख खान टू हैव कम ग्रेस द ओकेजन, और उन्होंने वाकई ही इस दिन को, ही हैज मेड इट अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। इस मौके पर शाहरुख की एंट्री रही काफी धमाकेदार, मगर सोचने वाली बात ये थी कि उनकी एंट्री पर इस फिल्म का नहीं बल्कि उनकी फिल्म ओम शांति ओम से गाना बजाया गया। आजकल शाहरुख दावा कर रहे हैं कि उनकी फिल्म ओम शांति ओम आज तक की सबसे बड़ी हिट है। यहाँ तक कि एक अखबार के फ्रंट पेज पर इसका फुल फ्लेज्ड एड भी बनाया गया। मगर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ओम शांति ओम, शोले, हम आपके हैं कौन और गदर जैसे ब्लॉकबस्टर हिट से बड़ी हिट है। वैसे तो लगातार अफवाहें उड़ती रहती हैं शाहरुख और बिग बी के बीच तनाव की, मगर लगता है कि शाहरुख बच्चन साहब को काफी एडमायर करते हैं। अमित जी याद आते हैं बिल्कुल। इट्स अ ट्रिब्यूट टू अमित जी आल्सो इन अ सर्टेन सेंस। आई होप व्हेन पीपल सी द फिल्म द टाइटल हैज नॉट बीन मिसयूटिलाइज्ड, इट विल बी एज गुड एज इट कैन बी। इस फिल्म में अमृता और निखिल का साथ दे रहे हैं गन मास्टर मिथुन चक्रवर्ती, और इस बार वो नजर आएंगे एक अलग ही अवतार में। मैं फादर का रोल कर रहा हूँ, बट मैं वो फादर हूँ सिर्फ जो प्रीच नहीं करता, इवन टाइम कम्स ही इज गोइंग टू बीट वेरी बैडली। म्यूजिक लॉन्च की इस शाम में तब जोश छाया जब ऋषिता भट्ट ने दी एक लाइव परफॉर्मेंस, यानी म्यूजिक, मस्ती और ऊपर से किंग खान की मौजूदगी। कुल मिलाकर अमृता और निखिल के अलावा ऑडियंस के लिए भी रही ये शाम काफी रंगीन। मनाली कामत, जूम, मुंबई।